अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बनाने वाले हैं कलरफुल ज़र्दा। मैंने 400 ग्राम चावल लिए हैं, बिरयानी वाले चावल हैं बासमती, आप कोई से भी चावल ले सकते हो। इसे अच्छे से धो लिया है अब इसे कढ़ाई में, अब इसमें पानी डालना है। एक गिलास चावल ले लिया है, इसमें 4 गिलास पानी डालना है। इसमें जरदई कलर डाला है, दो तीन लौंग और दालचीनी डालनी है। पकने देना चावल, होने देना। ये देख लिए, ये देखिए होने लगे हैं चावल। ये देखिए चावल हो चुके हैं, और इसका पानी निकाल देना। ये देखिए इसे निकाल लेना है। ये वाले सारे चावल निकाल लेने। अब ऐसे ही ग्रीन कलर के चावल को भी अलग करना है, और फिर वाइट वाले, वाइट कलर के चावल भी अलग से उबाल लेने। दोनों को अलग करके करना है। ये देखिए अब ये ग्रीन चावल को, ग्रीन कलर डाला है इसमें चावल में। ये देखिए ये ग्रीन चावल भी हो चुके हैं, अब वाइट चावल करेंगे। आप कितने भी कलर यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा और कोई कलर भी यूज़ कर सकते हैं आप। वाइट कलर के चावल भी हो चुके हैं। ये देखिए 2-3 लौंग और 5-6 हरी इलायची, काजू बादाम और खोपरा लिया है, इसे अच्छे से काट लिया बारीक, थोड़ा मोटा मोटा रखा है। आप अपने हिसाब से कितना भी ले सकते हैं, 100 ग्राम है। ये देखिए एक तपेली में थोड़ा सा, इसमें अब लौंग इलायची डालनी है, और जर्दे कलर वाले चावल डालने हैं। इसमें एक लेयर बना देनी है इसकी, फिर 1.5 ग्लास शक्कर डालना है। अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हो तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हो, मीठा रख सकते हो ज़्यादा। ऊपर काजू बादाम डालना है और खोपरा, फिर वाइट चावल की लेयर डालनी है इस पर, फिर ऊपर से शक्कर डालना। अब काजू बादाम डालने हैं इसके ऊपर, अब ग्रीन चावल की लेयर डालनी है, ऊपर से काजू बादाम डालने। अब इसे ढक देना, और मैं चारोली डालना भूल गया था इसके लिए, अब इसे डालूँगा चारोली इसमें। और इसे पहले फास्ट पे रखना है, फिर स्लो कर देना है, देखते रहना ये जले ना। ये देखिए इसके अंदर पानी दिख रहा है, ये ऐसे पकेगा, और इसे चलाना नहीं है ज़्यादा, ऐसे ऐसे पकने देना है। ये देखिए बनके तैयार है हमारे ज़्यादा। इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है, ऊपर से खोबा डालेंगे, ये घर का है। आपके पास अवेलेबल नहीं हो तो नहीं डालेंगे तो भी चलेगा। अब इसे सर्व करेंगे।
ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में भी, और ये बहुत टेस्टी बनता है। ज़रूर आप बना के ट्राई करें और कमेंट में बताएं कि कैसा बना ये, आपको कैसी लगी ये रेसिपी। ये बहुत टेस्टी बनता है, और अगर कुछ नहीं आता है तो कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।